अरे भैया वो एयरपोर्ट का रास्ता बताना। अरे बताओ यार, हाथ में आईफोन लिए घूम रहे हो और एयरपोर्ट का रास्ता नहीं पता? अरे यार बैटरी नहीं है। अरे तो गूगल मैप्स फिर भी चल सकता है इस पे तुम्हारा। कैसे? सबसे पहले ये समझो कि अगर आपके फ़ोन में बैटरी कम हो रही है, गूगल मैप्स पे आप कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये गूगल मैप्स का जो ऐप है बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। अगर आपका फ़ोन पहले ही लो बैटरी पे है तो बेटर है कि आप गूगल मैप्स को बंद कर दें और फ़ोन को भी थोड़ी देर लॉक्ड ही रखें। गूगल मैप्स को आप फिर भी एक्सेस कर पाओगे फ़ोन को बिना अनलॉक किए। इसमें आप क्या करें, फ़ोन को अनलॉक ना करके राइट स्वाइप करें तो आपको विजिट्स देखने को मिलेंगे अपने आईफोन में। विजिट्स में गूगल मैप्स को ऐड करने का सिंपल तरीका होता है, आप स्क्रॉल डाउन करें और वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा आपके पास। एडिट पे जाएंगे तो आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी विजिट्स की। इस लिस्ट में से आपको गूगल डायरेक्शंस का एक ऑप्शन मिलेगा और उसके साथ जो प्लस का साइन है उस पर आप प्रेस कर दें। उसके बाद ऑटोमेटिकली गूगल डायरेक्शंस जो है, गूगल मैप्स, वो आपके विजिट्स में ऐड हो जाएगा। अब आप वापस जाएं लॉक स्क्रीन पे, राइट स्वाइप करें और वहाँ पे जाके गूगल मैप्स का ऑप्शन आपके पास सबसे नीचे आ जाएगा और यहीं से ही आपको सारी डायरेक्शंस मिलती रहेंगी एंड आपको बिना फ़ोन को अनलॉक किए अपने मुकाम तक पहुँचने का मौका मिल जाएगा। इससे फ़ोन की बैटरी भी बची रहेगी और आप सही दिशा में भी चलते रहोगे। टेक की दुनिया के किसी भी जुगाड़ के लिए आप देखते रहो टेक तक।